हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका म्यूजिकल महेश चैनल पर एक बार फिर से, जहां पर मैं आपके साथ में म्यूज़िक की बातें शेयर करता हूं। और अभी तक हमने जो है गिटार के 8 वीडियोस कवर कर लिए हैं। आज ये जो 9th वीडियो है उसमें मैं आपको कुछ बेसिक कोड्स बताऊंगा और एक स्ट्रमिंग पैटर्न भी बताऊंगा। तो हमने ये गिटार की सीरीज शुरू करने से पहले आपको बताया था कि हमें स्ट्रमिंग सीखनी पड़ेगी, कोड्स सीखने पड़ेंगे, स्केल सीखने पड़ेंगे। तो हमने 2 स्केल तो सीख लिए हैं। 2 क्या मतलब, पूरी 12 नोट्स के मेजर और माइनर स्केल, ये 2 तरह के स्केल हर एक नोट्स के हमने सीख लिए हैं, अगर आपने पिछले वाले जो 2 वीडियो अच्छी तरह से देखे हैं तो। ठीक है ना, तो आज मैं आपको बताऊंगा 2 कोड्स के बारे में। उन कोड्स को पहले उनका साउंड सुन लीजिए। ये 2 कोड्स हैं, ठीक है ना। इन दोनों कोड्स को बोलते हैं हम ए माइनर कोड और जी मेजर कोड। तो अगर आप कोड्स, स्केल वगैरह इन सब की जानकारी के लिए आप जो मेरे म्यूजिक थ्योरी के वीडियोस हैं उनको आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादा थ्योरी में ना जा करके यहाँ पर कैसे हम फिंगर्स को प्लेस करते हैं वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है ना। तो गिटार पे कोड्स प्ले करते हैं तब भी वो सेम नोट्स वही यूज होती है जो कि उस कोड्स में यूज होनी चाहिए, बट फर्क क्या होता है कि थोड़ी सी फिंगर पोजिशनिंग की वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है 6 ही स्ट्रिंग है अपने पास में और उंगलियाँ 4 हैं, तो 4 और 1 अंगूठा, तो यानी कि 5 उंगलियों को काम में लेकर के और 6 फ्रेट को, 6 स्ट्रिंग को काम में लेकर के ही अपने को जो कोड्स प्ले करनी होती है। तो थोड़ी सी लिमिटेशन है पियानो के, पियानो में क्या है हम कि 7, 8, 8, 10 नोट्स भी जो एक साथ प्रेस करके जो एडवांस्ड कोड प्ले कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो उसका भी सॉल्यूशन है, किस तरह सॉल्यूशन है, चलो मैं आपको आज ए माइनर और जी मेजर कोड सिखाता हूँ, ठीक है ना, और बताता हूँ कि थोड़ी सी कैसे डिफरेंट है पियानो से। देखो, पियानो में जब आपको ए माइनर कोड बजानी है तो आप कौन कौन सी नोट प्ले करोगे, ए सी और ई। ए माइनर कोड के अंदर ये तीनों नोट्स जब हम एक साथ बजाते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है ए माइनर कोड का, ए सी और ई, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने को ए नोट जो होती है उसको हमें लोकेट करना पड़ेगा। तो ए नोट हमें पता है कि 5वीं स्ट्रिंग जो ए नोट पर ही ट्यून होती है, तो ए नोट अपने को मिल गई है। उसके बाद में यानी कि 5वीं स्ट्रिंग तो जो है वो ए नोट पर प्ले होगी, 5वीं स्ट्रिंग ओपन प्ले होगी। उसके बाद में 4th स्ट्रिंग पे आ जाते हैं, 4th स्ट्रिंग को जब हम ओपन प्ले करते हैं तब कैसे, कौन सी नोट का साउंड आता है, डी नोट का, और जब हम फर्स्ट फ्रेट में दबाएंगे तो डी शार्प का और यहाँ पर ई का, यानी कि अपने को 4th स्ट्रिंग को 2nd फ्रेट में दबाना पड़ेगा। उसके बाद में 3rd स्ट्रिंग पे आते हैं, 3rd स्ट्रिंग ओपन जी है, फर्स्ट में जी शार्प और 2nd में ए, यानी कि अपने को 3rd स्ट्रिंग को 2nd फ्रेट में दबाना पड़ेगा, तब अपने को ए नोट का साउंड यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद में जो 2nd स्ट्रिंग है वो किस पर ट्यून होती है, बी नोट पर, और इसको जब हम फर्स्ट फ्रेट में दबाएंगे तो सी नोट का साउंड आएगा जो कि अपने को चाहिए, और जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो ऑलरेडी ओपन में ई नोट पर ट्यून्ड है, यानी कि ई भी अपने को चाहिए। तो हम 6ठी को प्ले नहीं करेंगे, क्यों नहीं प्ले करेंगे, क्योंकि अपने को कोड्स के अंदर क्या होता है कि जो रूट नोट होती है, यानी कि जैसे ए माइनर कोड है तो ए सी और ई तीन नोट से मिलकर के बनी है, तो जो ए नोट है वो रूट नोट है, ए इज द रूट नोट, तो ए रूट को अपने को ट्राई करना है कि पहले प्ले करना है। तो हम 6ठी स्ट्रिंग को अवॉइड करेंगे, और जैसे मैंने फिंगर पोजीशन बताई, अभी मैं फिंगर पोजीशन आपको बता देता हूँ, अभी तक नहीं बताई, सॉरी। तो पहली फिंगर को अपने को रखना है 2nd स्ट्रिंग के 1st फ्रेट में, उसके बाद में जो मिडिल फिंगर है उसको रखना है अपने को 4th स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पर, और जो 3rd वाली फिंगर है उसको रखना है अपने को 3rd स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पर, और उसके बाद में 5 से लेकर के 1 स्ट्रिंग अपने को नीचे ऐसे प्ले करनी है। शुरुआत के अंदर आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा कि आप जो है 6ठी स्ट्रिंग को अवॉइड नहीं कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर प्ले भी हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसके अंदर ई नोट है और ई नोट भी ए माइनर स्केल के अंदर आती है, बट रूटिंग की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बज भी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये ए माइनर कोड हो गई। अभी जी मेजर कोड बताता हूँ, जी मेजर के भी 2-3 तरीके हैं, मैं बेसिक तरीका आपको बताता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एडवांस में बहुत सारा अपने पास में टाइम है, आते रहेंगे एडवांस क्लासेस। ये जी मेजर कोड है, ठीक है ना। जी मेजर कोड कैसे है, जो ये मिडिल फिंगर है उसको रखना है अपने को 6th स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट में, फर्स्ट वाली जो फिंगर है उसको रखना है अपने को 5th स्ट्रिंग के 2nd फ्रेट पर, और जो 3rd वाली फिंगर है उसको रखना है अपने को 1st स्ट्रिंग के 3rd फ्रेट पर। ये हो गई अपनी जी मेजर कोड, यानी कि ए माइनर जी मेजर, ए माइनर जी मेजर, ए माइनर जी मेजर।
तो ये हमने कोड सीख लिया। अब कोड तो सीख ली लेकिन उसको काम में कैसे लोगे, तो उसके लिए आपको स्ट्रमिंग पैटर्न आना चाहिए। स्ट्रमिंग पैटर्न, एक बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न आपको मैं बता देता हूँ, पहले उसको हम सुनते हैं ठीक है ना, ए माइनर कोड के साथ में। स्ट्रमिंग पैटर्न मतलब कि राइट हैंड की करामात आपको दिखानी है। ठीक है ना, ये मैं एक सिंगल पैटर्न प्ले करता हूं, ये है। कैसे प्ले करना है, इस स्ट्रमिंग को बोलते हैं हम डाउन डाउन अप डाउन अप, ठीक है ना। तो आप मान लीजिए पहले 8 स्ट्रोक प्ले कीजिए, ठीक है ना। 8 कैसे, 4 डाउन और 4 अप, यानी कि इस तरह से डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, सभी में जो है सेम गैप होगा, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है ना। तो डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ये 8 स्ट्रोक हमने प्ले किए। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा अपने को, पहला वाला डाउन, उसके बाद में अप वाले को आपको स्किप कर देना है और नेक्स्ट वाला डाउन प्ले करना है। टाइमिंग को आपको हमेशा ध्यान में रखना है, डाउन अप को मिस किया, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, आपने एक स्ट्रोक मिस कर दिया, यहाँ पर आपको एक और स्ट्रोक जो है मिस करना पड़ेगा, वो कौन सा, डाउन स्ट्रोक, डाउन अप डाउन, ये वाला डाउन अप डाउन अप, फिर डाउन आपको नहीं करना और अप डाउन अप, यानी कि कैसे आएगा, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप, सॉरी डाउन डाउन अप अप डाउन अप, यानी कि आपको टाइमिंग को काउंट करना है। टाइमिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रमिंग के अंदर, बट उसको प्ले नहीं करना है, यानी कि आपके राइट हैंड को जो स्ट्रिंग पर स्ट्राइक नहीं करना है, ठीक है ना। डाउन डाउन अप अप डाउन अप, और इस तरह से जब एक पैटर्न कंप्लीट हो जाए तो आपको फिर जी मेजर कोड पे आना है, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ए माइनर अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप, ठीक है। तो ये स्ट्रमिंग पैटर्न आपको बार बार चेंज करना है कोर्ड्स के साथ में, और इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरीके से। आपको टाइम लगेगा क्योंकि मैंने पहली बार आपको कोर्ड्स बताई है, तो आपको भले ही टाइम लगे लेकिन आपको करना है इसको प्रैक्टिस को। जब तक आप इसको अच्छी तरह से नहीं सीख लो तब तक आप अगले वाली वीडियो पर नहीं जाएँ, ठीक है ना। ये मेरा खुद का मतलब सजेशन है। इस डाउन डाउन अप अप डाउन अप को आप और भी जैसे 1 1 2 1 2 3, आप चाहे जिस तरह से मतलब कन्वर्ट कर सकते हो उसको, 8 स्ट्रोक काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद में 2 को मिस कर दो, 1 3 4 5 6 7 8, उसके बाद में 5 को भी मिस कर दो, 1 3 4 5 sorry 1 3 4 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 और 5 को मिस कर देंगे तो भी सेम वही साउंड आएगा। अपने को साउंड से मतलब है, ये तो याद करने का तरीका है, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, 1 1 2 1 2 3 या 1 3 4 6 7 8, ठीक है ना। तो अपने को मतलब ये वाला साउंड चाहिए। अभी मैं विदाउट कुछ बोले हुए ए माइनर और जी मेजर कोड पर जो है स्वाइप करूंगा और वो स्ट्रमिंग पैटर्न प्ले करूंगा, ठीक है ना। पहले स्लो उसके बाद में फास्ट, जब थोड़ा सा आप एडवांस हो जाओगे तब बीच में भी चेंज कर सकते हो। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आपके लिए मैं म्यूज़िक के बहुत सारे वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूँ। आपके जो कमेंट्स हैं उन सबका रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।